हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्ट रेंजर। 14 फरवरी 2022 इस दिन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑफ इंडिया ने पूरे 500 मिलियन फ्री फायर यूजर्स के लिए यादगार बना दिया है। गवर्नमेंट ने फ्री फायर के साथ और भी 53 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन करके देश के गेमिंग कम्युनिटी को एक नया वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है, जिसे देखकर उनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। पहले तो इन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया, फिर 2020 में पबजी बैन कर दिया। उससे लोग थोड़ा सा उबरे थे ही नहीं कि अब इन्होंने फ्री फायर भी बैन कर दिया। साला ये दुख का खत्म होता बे। वेल, अब प्ले स्टोर से फ्री फायर को हटा दिया गया है। एक्चुअली 2 दिन पहले ही हटा दिया गया था, पर लोगों को लगा कि यह कोई ग्लिच है। अब क्वेश्चन है कि क्या फ्री फायर अनबैन होगा, और होगा तो कब होगा। तो एक्चुअली मिनिस्ट्री द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि कोई भी 500 मिलियन यूजर्स का इतना बड़ा मार्केट खोना नहीं चाहता। और वैसे भी गैरेना एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और इसमें चाइनीज कंपनी टेंसेंट का सिर्फ 18% शेयर है, एंड सिंगापुर का इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी है। तो गेम डेफिनेटली अनबैन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि पबजी को भी अनबैन होने में पूरे 10 महीने टाइम लग गए थे। कारण कोई भी इंटरफेस को चेंज करने के लिए टाइम तो लगता ही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब से मिनिस्ट्री ने पबजी जैसे बड़े एप्लीकेशन को बैन किया था, तब से सभी कंपनी ने चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, और इसलिए शायद फ्री फायर भी हमें पबजी की तरह डिफरेंट नेम से दिखाई दे। और इसीलिए ही फ्री फायर बैन अनाउंस होते ही कंपनी के ऑफिशियल्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। तो फ्रेंड, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।